कई बार ये होता है कि जो फैमिलीज होती है उनका इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है. स्पाउस की फैमिलीज का इंटरफेरेंस काफी ज्यादा हो जाता है सर. और इनफैक्ट कभी स्पाउस चाहता भी है बट फैमिली की वजह से वो कर नहीं पाता है कुछ. ये प्रॉब्लम छोटी नहीं है, इंडिया में बहुत बड़ी है ये प्रॉब्लम, क्योंकि रिलेशनशिप यहाँ पे इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं. क्योंकि शादी हो रही है तो एक लड़का लड़की की नहीं हो रही है, दो खानदानों की हो रही है, दो फैमिलीज की हो रही है. और बचपन से ऐसी फिल्में देख देख करके हम बड़े हुए हैं, हम साथ साथ हैं, क्योंकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है. मूवी में तो कुछ भी दिखा सकते हैं ना. तो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है. तो इस कॉम्प्लिकेशन को कैसे ठीक किया जाए? आपके सेशन दिखाए उसको तो समझ नहीं. ये भूल के भी गलती मत करना. इन्होंने कहा कि आपके सेशंस दिखाएं, इतने जूते पड़ेंगे जितना हम सोच भी नहीं सकते. वो कहेगा ये कौन होता है हमारे बीच में आने वाला, कौन है ये, और तू क्यों इतना सुनती है इसको. वो खुद देखे तो बात अलग है. और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब भी कोई सेशन अटेंड करते हैं वो ये नहीं सोचते कि मेरे को खुद को बदलना है, कहते ये वीडियो तो मैं जरूर अपनी बीवी को दिखाऊंगा. बीवियां सबके बुरी है, हाँ पति सबके बुरे हैं, ये तो मैं अपने पति को दिखाऊंगी. भाई खुद तो देखो, खुद तो समझो बात क्या हो रही है यहाँ पर. तो अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है अब क्या करें? एडजस्टमेंट हो जाती है यहीं पे. अब आ गया एडजस्टमेंट करो. अब एडजस्टमेंट कब तक करोगे और किस हद तक करोगे? क्योंकि अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एडजस्टमेंट, तो अगर वंस यू स्टार्ट एडजस्टिंग तो सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ती है कम होती है? हाँ, आपकी इमेज ऐसी बन जाएगी और ये तो बहुत ही अच्छी है, ये तो एडजस्ट कर लेती है. अब पूरी दुनिया आपको एडजस्ट ही करवाती रहेगी अपने हिसाब से, और ये बुरी तरीके से फंसेगी कहीं ना कहीं जा करके. क्योंकि कभी ना कभी एक लिमिट होती है ना, रस्सी को खींचने की एक लिमिट है, कभी ना कभी टूट जाएगी. तो अब क्या किया जाए? अब यहाँ पे अगर आपकी प्रायोरिटी सेट कि इन रिलेशनशिप्स में से सबसे इंपॉर्टेंट ये है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, और बहुत बार क्या होगा आप देखोगे कोई दूर के रिश्तेदार आपके घर में आए उनकी वजह से आप अपनी बीवी से लड़ रहे हो. पागल नहीं हो? खुद सोचो, मतलब वो क्या मजे लेने के लिए आए, वो तो आए आपको लड़वाने के लिए है. तो यू मस्ट प्रायोरिटाइज. हो सकता है कोई 100वें नंबर के बंदे की वजह से आप पहले वाले से लड़ रहे हो, तो पहले तो इसको आपने प्रायोरिटाइज किया. अब ये जो पहले नंबर पे है पर्सन, यही सबसे इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए. इस रिलेशनशिप को पूरी जिंदगी चलाने के लिए क्या क्या ऐसी क्वालिटीज हैं या क्या क्या ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हूं? फॉर एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. इट मस्ट बी वेरी क्लियर, नहीं तो वो एडजस्टमेंट कहां तक जाएगी उसकी कोई लिमिट नहीं है जी. सामने वाला तो कहेगा एडजस्ट करो. तो आपने वहां पर प्रायोरिटाइज कर दिया कि ये चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस रिलेशनशिप को एंड तक ले जाने के लिए. ये नंबर वन पे है, ये नंबर टू पे है, ये नंबर थ्री पे है, नंबर फोर पे है, नंबर फाइव पे है, नंबर टेन. तो दसवें नंबर की अगर कोई चीज है उसकी वजह से तो हम नहीं लड़ रहे कहीं, बट अगर कोई पहले नंबर की चीज है तो अब क्या करोगे? एडजस्ट करोगे वहां पर? वहां पर लड़ना पड़ेगा, तो लड़ने के लिए तैयार रहो. यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि ये पहले नंबर पे है इस रिलेशनशिप को अगर एंड तक चलाना है. ये आपने क्लियर सामने वाले को बताया हुआ है कि आई विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस, मान लो ट्रस्ट, और दिस, और दिस. मान लो तीसरे नंबर पे कोई है प्रॉब्लम, वो तीसरे नंबर पे क्या हो सकती है? बदतमीजी से बात करना. रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन ट्रस्ट के जितनी नहीं है ना, क्योंकि वो तीसरे नंबर पे है तो आपको पता है यहां पर कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है. जब दो लोग साथ में आते हैं रिलेशनशिप में तो लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा भी हो जाता है. ये सब पार्ट ऑफ गेम है. ज्यादा वहां पे सेंटी नहीं होना है बैठ करके कि ऐसा कैसे बोल दिया तूने मुझे, अरे बोल दिया वो भी भूल गया, तू भी भूल जा. समझे मैंने क्या बोला है? कि ऐसा तो नहीं है कोई सिचुएशन है जो तीसरे नंबर पे है उसकी वजह से आप रिलेशनशिप को ही खत्म कर रहे हो. प्रायोरिटाइज किया है हमने या नहीं किया है? ज्यादातर लोगों ने नहीं किया है, ऐसा सोचते ही नहीं है. लड़ रहे होते हैं छोटी छोटी चीजों की वजह से कि तुम मुझे प्यार नहीं करते. प्यार क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय लव? प्यार नहीं करते, प्यार कर. वेल्ले फंडे होते हैं बहुत सारे लोग, आप अभी हंस रहे हो लेकिन इन्हीं चीजों की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं. अब यहां पर
कुछ चीजें हैं जब आपने प्रायोरिटाइज कर लिया है तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है. तो नाउ यू आर क्लियर कि हाँ ये जो टॉप थ्री है ये तो इस बंदे ने संभाल रखा है, यहाँ पे तो 100 में से 100 नंबर है इसके, बट बाकी की जो है यहाँ पे बंदा जीरो है, 100 में से 0. अब क्या किया जाए? लगाओ नहीं, एडजस्टमेंट क्यों आ गया फिर से? एडजस्टमेंट ये एडजस्टमेंट क्यों इतना भरा पड़ा है आप लोगों के दिमाग में? हर जगह पे एडजस्टमेंट करें, क्यों एडजस्टमेंट करना है? यू आर एब्सोल्युटली क्लियर कि ये जो तीन चीजें इस रिलेशनशिप को एंड तक ले जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो तीनों क्वालिटीज इस बंदे के अंदर है, बाकी की चेंज की जा सकती है. बहुत बार हम क्या होता है, हम बस अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ सामने वाले को पता तो है, सामने वाला समझ लेगा ना. ये बड़ा अजीब सा फंडा है. सामने वाला नहीं समझता तो आप समझाओ ना उसको, उसको बताओ ना कि आप उससे कितना प्यार करते हो, उसको बताओ ना कि हम मरते दम तक साथ रहने वाले हैं, उसको हक करो ना डेली. एडजस्टमेंट क्यों करनी है? व्हाई एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट का मतलब है जो टॉप थ्री है यहां पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो. नेवर एडजस्ट. कुछ चीजें हैं जहां पे एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए और कुछ चीजें हैं जिनको बदला जा सकता है. तो एडजस्टमेंट है कहां? इट विल टेक टाइम. एक दिन में नहीं होगा. बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी पौधे को बड़ा करना, उसकी केयर करनी पड़ेगी, उसको पानी देना पड़ेगा टाइम पे, पूरा ध्यान रखना होगा, आंधी तूफान से बचाना होगा. इसी केयर को प्यार कहते हैं. हर वो काम करना होता है जो आप चाहते हो कि आपके साथ हो. सिंपल है. आपको क्या अच्छा लगता है? कोई आपकी तारीफ करे, आपकी कमियां निकालता रहे? अच्छा लगता है? नहीं लगता है. कोई आपकी कमियां आपको बताता है? आपको पता है खुद में आप में कितनी कमियां हैं? खुद ही अपने आप को बताते रहते हो, ऊपर से कोई सामने से बता दे तो गुस्सा नहीं आता है? बट यही नहीं होता है रिलेशनशिप्स में. क्यों होता है ऐसा? क्यों हम सामने वाले को उसकी कमियां बताते रहते हैं? क्योंकि हम उसकी कमियां देखते रहते हैं. क्यों उसकी कमियां देखते रहते हैं? क्योंकि कभी हमने प्रायोरिटाइज किया ही नहीं कि इस रिलेशनशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है. अगर हम प्रायोरिटाइज कर लें तो, एंड वंस वी आर क्लियर कि अब ये जो तीन चीजें हैं ये इस पर्सन के अंदर है, अब मरते दम तक चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम अलग नहीं होने वाले. नॉट पॉसिबल. तो अब क्या मुश्किल है? इसको देखना कि मैं क्या चाहता हूं अपने लिए और वैसे ही मैं सामने वाले से एक्ट करूं, मतलब उसकी तारीफ करूं. नॉट फ्लैटरी, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स. सामने वाले को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो. याद रखो, अपने ऊपर रख करके देखो कि कोई कुछ अच्छा बोल देता है कितने दिन तक याद रहता है? रहता है नहीं रहता है? कई कई बार पूरी पूरी जिंदगी याद रह जाता है. हमें खुद भी नहीं पता होता है कि हाँ हमारे अंदर ऐसा कुछ है, और अगर वो कोई बोल दे तो और अच्छा लगता है. तारीफ खुल के क्यों नहीं करते हो? बुराई तो खुल के करते हो. जब अंदर से वी आर रियली थैंकफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट टू द अदर पर्सन कि थैंक यू सो मच कि तुम मेरी लाइफ में हो, इट मीन्स अ लॉट टू मी, इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी. और आप ये सब बोल नहीं रहे हो, बस उसकी आंखों में इस तरह से देख रहे हो सोच करके, तो कुछ होगा वहां पर या नहीं होगा? सामने वाले को कैसा फील होगा? या फिर बैठे हैं, सामने वाला परेशान है, बस उसके हाथ पे हाथ रख दिया, हाथ पकड़ करके बैठे हुए हो थोड़ी देर के लिए, क्या हो गया? इसमें एडजस्टमेंट कहाँ है? अगर इस तरह से हम चलने लग जाएं तो सामने वाला भी ऐसा करना शुरू कर देगा? नहीं करेगा. किसी दिन आप उसको हक करना भूल जाओगे तो उसको याद रहेगा. अब आपके फंडे ना लाइफ के क्लियर हो जाते हैं. एक बार प्रायोरिटाइजेशन हो जाता है, आपको पता है हाँ मेरे को सामने वाले से तीन ही एक्सपेक्टेशन है, बस खत्म. प्रॉब्लम पता है क्या है, जड़ क्या है सारी की सारी प्रॉब्लम्स के लिए? आपको यही नहीं पता है आपको सामने वाले से कितनी एक्सपेक्टेशन है. आपको यही नहीं पता है आपको सामने वाले से चाहिए क्या है. तो अगर वो सब कुछ भी कर देगा तब भी आपके लिए कम पड़ जाएगा. लोग कहते हैं एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए. क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए. अगर आपके सामने वो घर में बैठ करके अपनी जो भी उसकी गर्लफ्रेंड है पुरानी उसके साथ में हाथ में हाथ डाल करके सुट्टा मार के अपने मुंह पे धुआं छोड़ेगा और वो भी छोड़ेगी, दोनों मिल करके छल्ले बनाएंगे धुएं के और आपको कहेंगे देख के तारीफ करो इन छल्लों की, तो एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये सब नहीं चलेगा. तो एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, बट क्लियर होनी चाहिए. यू मस्ट बी क्लियर. सोचो कहीं पे काम करते हो और वो जो आपका एम्प्लॉयर है उसको यही नहीं पता है कि उसको आपसे चाहिए क्या है, तो आप कितना भी कर दोगे कम पड़ जाएगा. अगर वो पहले ही प्रॉपरली डिफाइन कर दे कि भाई तुझे महीने में ये चार काम करने हैं और इसको चार को अच्छे से करना है, ये किया तो तू एक अच्छा एम्प्लॉई है, नहीं किया तो एक खराब एम्प्लॉई है. वंस दैट इज क्लियर तो छोटी मोटी चीजें मैटर ही नहीं करती हैं. कभी सामने वाले ने कभी गुस्से में है, उसका मूड खराब है, उसने चिल्ला करके कुछ बोल दिया, तो अगर तो
कोई प्रायोरिटी सेट है ही नहीं, ये टॉप थ्री है ही नहीं माइंड में, तो क्या होगा, वहां पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, फिर पूरा पास्ट निकल करके सामने आ जाएगा। अगर प्रायोरिटाइजेशन हो रखा है तो क्लियर है कि हाँ ये इन टॉप थ्री में कहीं पर भी नहीं है। बोल दिया थोड़ा बहुत, क्या हो गया, हंसोगे वहां पर उसके मुंह पे, नहीं तो जूते पड़ेंगे, मैं गुस्सा कर रही हूँ, नहीं ठीक है, कोई अब ठीक है मूड, हाँ अब ठीक है। छोटी मोटी चीज़ें मैटर ही नहीं करेंगी लाइफ, प्रॉब्लम हमारी सारी छोटी मोटी चीज़ों की वजह से है। बड़े तक तो हम कभी जाते ही नहीं है, बड़ा तो कुछ सोचते ही नहीं है, छोटा चिंदी सोच है। नहीं, सुबह से रात तक जो आप दुखी होते हो वो किस लिए होते हो, कभी सोचा है, अपने माइंड में झांक करके देखा है, आप में से कितने हैं वो दुखी है इसलिए क्योंकि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। एनीबडी दुखी किस लिए है, अरे वो मैं वहां पर जा रहा था, मेरा ना कहीं बटुआ गिर गया, उसमें 25 रुपए थे। चिंदी सोच चिंदी दुख। अबे दुखी होना है तो बड़ी चीजों के लिए हो ना लाइफ में, छोटी मोटी चीजों के लिए दुखी होते रहते हैं, उसी में हमारी लाइफ निकल जाती है पूरी की पूरी। तो वंस दैट इज क्लियर, तो आप छोटी मोटी चीजों की वजह से लड़ोगे झगड़ोगे ही नहीं, चीजों को सामने वाले को बड़ी आसानी से दे दोगे। जैसे शादी के बाद क्या होता है, शादी के बाद अगला स्टेप क्या है, अबे हंस क्यों रहे हो, मतलब बेबीज, हाँ ठीक है, बीच के स्टेप्स को स्किप करो, बेबी हाँ तो बच्चों को लेकर के कितने लड़ाई झगड़े होते हैं लोगों के, पावर गेम चल रही होती है वहां पे। अगर आपको समझ आ जाए कि ये मेरी वो जो प्रायोरिटीज है उसमें है ही नहीं, क्योंकि सामने वाला भी उसके लिए कुछ गलत थोड़ी ना करेगा, तो अगर सामने वाला सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहता है उन बच्चों के लिए, तो करने दे, इससे बड़े तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं। बढ़िया है, मेरा काम सिर्फ एक होगा, बैठ करके कमियां निकालता रहूंगा आराम से। तू कर ले, ये बेस्ट होती है अप्रोच लाइफ में। नहीं कभी कोई ज्यादा चौड़ा होता है ना लाइफ में कि मैं करूंगा अपने हिसाब से, अरे तू कर, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, मैं खड़े होकर के ये क्या किया, ये ढंग से नहीं किया, ये बेकार है, अरे हाँ ये गलत है, कुछ मत करो, मतलब अगर सामने वाला यही चाहता है तो बढ़िया है। अब देखो वहां पर भी हम लड़ रहे होते हैं, नहीं नहीं, मैंने ऐसे ऐसे घूंचों को देखा है वो दीवार के रंग को लेकर के लड़ रहे होते हैं, नहीं पिंक होना चाहिए, नहीं येल्लो होना चाहिए, अभी येल्लो भी हो जाएगा तब भी तू खच्चर का खच्चर ही रहेगा। तो वहां पर बड़ा हल्का फुल्का हो जाता है सब कुछ। हंस लो तुम्हें तो रोक करके क्या करोगे, निकल जाने दो, हंसी को। और एक और चीज वहां पे आपको बता देता हूं लाइफ का, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एक रिलेशनशिप को अगर आप पूरी लाइफ के लिए चलाना चाहते हो तो, नहीं ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, अंडरस्टैंडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है सेंस ऑफ ह्यूमर, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं। कुछ भी हो रहा है हंसते रहो, पागल छो हो जाओ, ये तो पागल है, पागल ही सही चलते हैं, लंबे टाइम तक पागल ही चल सकते हैं, समझदार नहीं चल सकते, समझदारों की लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर, अब वो सेंस ऑफ ह्यूमर कब आपके अंदर हो सकता है, कभी सोचा है, ये सेंस ऑफ ह्यूमर मर जाता है बहुत लोगों में, शादी के बाद तो बिल्कुल ही मर जाता है, हंसने के लिए दोस्त ढूंढते हैं, बहाने ढूंढते हैं, जब तक दो चार लगाएंगे नहीं तब तक हंसी नहीं आएगी। अबे क्या है ये सेंस ऑफ ह्यूमर, कहां से आता है, कभी सोचा है, जब लाइफ को आपने समझ लिया बारीकी से, लाइफ इज इम्परफेक्ट, इट कांट बी परफेक्ट, जैसे ही आप परफेक्शन की तरफ चले जाते हो ना, मुझे सब कुछ परफेक्ट करना है, परफेक्ट का मतलब क्या, सब कुछ अपने हिसाब से करना है, क्या आपका हिसाब परफेक्ट है, आपका हिसाब तो ये भी कह सकता है कि नहीं ये जो चूहा है ना इतना प्यारा है, मुझे इतना प्यारा लगता है, उसको बिल्ली नहीं खानी चाहिए, और सोचो आपके पास में पावर्स आ जाए कि बिल्ली चूहे को नहीं खाएगी और वो खाना बंद कर दे, तो क्या ये परफेक्शन है नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से या इम्परफेक्शन है। जिस तरह से हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए वो सब इम्परफेक्शन है, वो सब कचरा है। तो आपने क्या किया, खुद की सोच पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ऐसा हम कभी नहीं करते,
हम क्या करते हैं, सामने वाले की सोच पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि जो कमियां हैं सामने वाले में है। मैं तो बिल्कुल सही हूं, मैं सही हूं तू गलत है, यही जड़ नहीं है हर रिलेशनशिप की। अगर ये उल्टा हो जाए तो कि तेरा गलत भी सही है और मेरा सही भी गलत है, अब कहां से लड़ाई होगी? बशर्ते वो जो टॉप थ्री है उस पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, छोटी मोटी चीजों में सब में हाँ ठीक है सब सही है, मतलब इम्परफेक्शंस में भी आप हंस रहे हो, उसको सेंस ऑफ ह्यूमर बोलते हैं, खुद पे हंस रहे हो, जो हरकतें हो रही है उस पे हंस रहे हो, जो कुछ हो रहा है मतलब आप पूरी कोशिश कर रहे हो कुछ ठीक करने की, तब भी वो खराब ही होगा, उस पे हंस रहे हो ना, अपनी नाकामी पे हंस रहे हो, अपनी बेवकूफियों पे हंस रहे हो। हंसने का मतलब दूसरा मतलब क्या है, लेट गो। हंसी का मतलब लेट गो नहीं है, छोड़ देते हो। जब पकड़ लेते हो तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने लग जाते हो, छोटे नहीं होने लग जाते हो, पकड़ लो हर चीज को, छोटे हो जाओगे, छोटी सोच हो जाएगी। हंसने का मतलब क्या, ऐसे रिलीज कर दिया, हाँ ठीक है बढ़िया है लेट गो। तो फिर 24 घंटे हंसी आती रहती है चारों तरफ सब कुछ, क्योंकि देखा जाए तो सब तरफ कॉमेडी कॉमेडी है, लड़ाइयों की जड़ खत्म। जब लड़ाई नहीं हो रही होती तब भी हंसी आ रही होती है, क्या हो गया इतने दिन हो गए लड़ाई नहीं हुई, और लड़ाई हो रही होती है तो हंसी आती आती है, हंसते खेलते रहो, इसमें क्या दिमाग लगाना है, इसमें मुश्किल क्या है? आसान है, आसान है मुश्किल है, आसान है आसान है मुश्किल है। आसान है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।